वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करेंगे। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोस ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, पीक्यूआर लिमिटेड, रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 का डेटा दे रखा है। किस कंपनी का, पीक्यूआर लिमिटेड का। उस डेटा में क्या है, कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कुछ फाइनेंशियल रेशियो। तो चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 15% ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट किस पर होता है, सेल पर। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्वियसली सेल्स पर ही होता है। फिर दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ पर ध्यान देना वर्क कॉस्ट। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्क कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट में भी क्या दे रखा है, वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और कुछ नहीं, सिंपल आपको COGS गिवन है। क्या है, COGS। वर्क कॉस्ट क्या होता है, COGS। एक और बार बोलो, COGS। वेरी गुड, फिर आप इससे भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस, ये दोनों किस पर दे रखे हैं, COGS पर। यानी कि अगर अपन को COGS पता चल गया तो उसका 20% रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा और उसका 10% डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या पता करना है, COGS। आगे देखें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रहता है, 3 मंथ का। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि जब बैलेंस शीट बनेगी और उसमें स्टॉक लिखा जाएगा, करंट एसेट्स में अपन लिखते हैं ना स्टॉक, तो वो जो स्टॉक लिखा जाएगा उसमें रॉ मटेरियल का कितना पार्ट लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स का यूजेज है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो वो है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। अगेन वर्क कॉस्ट दे रखा है, यानी कि COGS का अपन को 6% कैलकुलेट करना है, वही होगा हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट हमारा डेट कलेक्शन पीरियड, ये वही है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल सकते हो, डेट कलेक्शन पीरियड। ये अपन को दे रखा है 60 डेज। मुझे कोई डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताएगा, दो फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेज दे रखा है तो ऊपर डेज में ही आएगा। ठीक है, अब डेज में भी दो फॉर्मूले होते हैं, चाहो आप 360 लगाओ या फिर 365 अपॉन DTR और 365 अपॉन DTR, जो भी लगाओ। नीचे आपको अजम्पशन में उसका नोट डाल देना है कि अपन ने एक साल में 360 डेज माने हैं। क्लियर। अच्छा, जब अपन इस फॉर्मूले को खोलते हैं, यानी कि DTR को, तब क्या बनता है, DTR यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर ऊपर आएगा यानी कि सेल्स ऊपर आएगी और डेटर्स नीचे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटर्स से रिलेटेड सेल होती है, इसलिए यहाँ पर कैश सेल नहीं आती, यहाँ पर क्या आती है, क्रेडिट सेल। तो अपन को देखना होता है कि सेल्स में कैश सेल कौन सी है और क्रेडिट सेल। ये झंझट क्वेश्चन ने खत्म कर दिया, क्योंकि 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 उन्होंने बोल दिया ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, यानी कि जो भी सेल्स आपकी इस क्वेश्चन में निकल कर आएगी वो सारी की सारी कैसे है, क्रेडिट पर। इसका मतलब यहाँ पर आपको झंझट लेना ही नहीं है कि वो कैश है या क्रेडिट, पूरी की पूरी सेल्स आपको यहाँ पर लिख देनी। क्या ये बात आपको समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, तो सारी की सारी सेल्स आपको क्रेडिट सेल्स में लिख देनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है हम कोई भी सेल्स कैश में नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं अपन फाइनेंशियल रेशियोज पर। फाइनेंशियल रेशियोज में पहला गिवन है फिक्स्ड एसेट टू सेल। इस तरीके के रेशियो अपन को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये खुद ही बोल देता है। इसमें क्या होता है, आगे वाली चीज ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और पीछे वाली चीज नीचे, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल्स। और ये कितना दे रखा है, 1:3, यानी कि ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरीके के है, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, यानी कि ऊपर वाली पहली वाली चीज ऊपर और बाद वाली चीज नीचे, फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट, तो ये बन गया। इन चीजों में अपन को दिमाग चलाना ही नहीं है, ऐसे रेशियो बड़े ही बढ़िया लगते हैं। और इसका कितना दे रखा है, 13:11, तो वही अपन ने लिख दिया।
नेक्स्ट है करंट रेशियो, ये तो बहुत सिंपल सबको ही पता होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितना दे रखा है, 2:1 यानी कि 2:1। आगे पढ़े फिर से देखो उसी तरीके के आ गए, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे और इसका बन जाएगा 2:1। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, सिंपल सिंपल जा रहा है। लास्ट वाला भी सेम है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल ऊपर आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस नीचे आ जाएगा, पहली चीज ऊपर बाद वाली चीज नीचे। फास्ट तो नहीं जा रहा है ना, मैं रेशियो एनालिसिस में थोड़ा सा, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना सारे फॉर्मूले फॉर्मूले होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा फास्ट में चला जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में इसलिए पूछा भी था और बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया कि फास्ट नहीं जा रहा मैडम, सिंपल जा रहा है, तो मैंने उसी तरीके का कर दिया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आई, 1/4 दे रखा था वैसा का वैसा अपन ने लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 26 लाख, अपन को फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कितना गिवन है, 26 लाख। थैंक गॉड अपन को कुछ तो पता है, नहीं तो इससे पहले तो हर चीज रेशियो और परसेंटेज में गिवन थी। फाइनली एक वैल्यू दे रखी है 26 लाख जो की है फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। Prepare a summarized profit and loss account of the company for the year ended 31st March 2021 and also the balance sheet as on 31st March 2021. यानी कि अपन की क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, एक P&L अकाउंट बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी P&L अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, इस तरीके की चीजें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो और इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वर्किंग्स में एज इट इज लिखनी है, जिसके बारे में जितना जितना पता है वो सारी चीजें आपको लिखनी है, सब कुछ वर्किंग्स में और एक जगह सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना। तो इतना करो, बाकी अपन चलते हैं कॉपी पर, जिसको नहीं आए वो उसमें से देख लेना। ठीक है ना, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखो रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सॉल्यूशन में दो चीजें रहेगी। पहला P&L अकाउंट कब के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। उसके बाद फटाफट इसका फॉर्मेट क्रिएट करो, बहुत सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं, एज एट 31st मार्च 2021, सिंपल सा फॉर्मेट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो इतना बोलने पर आपने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को। अच्छा, किसकी बुक्स में बना रहे हैं ये भी टिकला, इन दी बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपको सारी की सारी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि ये सारी चीजें एट द एंड कंप्लीट हो जाएंगी जब हमारी वर्किंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए हर बार बोला है ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको मेन फोकस देना है किसमें, वर्किंग्स में, और वर्किंग्स में कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। देखो पहले अपन ने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना था, 15% ऑफ सेल, इतना करके छोड़ दो क्योंकि अपन को सेल भी नहीं पता प्रॉफिट भी नहीं पता। सेकंड इंफॉर्मेशन में दे रखा था नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अपन को एनपीवी नहीं पता और सेल भी नहीं पता। थर्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, अगेन दोनों चीजें नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देंगे। फोर्थ, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, दोनों चीजें नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सोचना मत कि मैडम यूं कहेंगी क्वेश्चन को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन को, पर अभी आप चलते जाओ इसी तरीके से, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे बस करते जाओ। फिफ्थ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ का यूजेज, ये भी अपन को नहीं पता। स्टॉक ऑफ फिनिश को 6% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये भी अपन को नहीं पता। डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज, अब डेट कलेक्शन पीरियड का अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेज और नीचे क्या आता है, बोलो DTR, तो लिखते हैं अपन 365 एक साल में दिन होते हैं अपॉन DTR। ठीक है, और डेट कलेक्शन अपन को कितना गिवन है, 60 डेज।
यहाँ से डी टी आर कैलकुलेट हो जाएगा 365 अपॉन 60, फटाफट कैलकुलेट करो, ये आ रहा है 6.083। ठीक है, इतना छोड़ देंगे इसे। उसके बाद डीटीआर कैसे कैलकुलेट होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर ऊपर आएगा यानी कि सेल्स, ये भी मैंने क्वेश्चन के साथ साथ भी बताया था आपको, सेल्स कौन सी आती है, क्रेडिट, जो कि है अपनी पूरी टोटल, तो जब सेल्स आएगी तो अपन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या आता है, डेटर, तो यहाँ से आ जाएगा डेटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, डीटीआर अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया 6.08। अब ना अपन को डेटर्स पता और ना अपन को क्रेडिट सेल पता, ना अपन को क्रेडिट सेल पता ना अपन को डेटर्स पता, सिर्फ अपन को पता है डीटीआर, जो कि अपन ने कहां से कैलकुलेट किया, यहां से। ठीक है, समझ में आ गया। डेट कलेक्शन पीरियड 60 दिन दे रखा था और डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 अपॉन डीटीआर, जिससे अपन ने डीटीआर कैलकुलेट कर लिया। ये समझ में आ गया, मतलब जितना अपन को आता है उतना अपन कर लेंगे। ठीक है, एट, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल, इसका फॉर्मूला सिंपल, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल, जो कि गिवन था 1/3, यानी कि जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि वीडियो जो है इतनी ज्यादा लॉन्ग ना हो, मैं हर चीज आपके सामने ना करूं, जो जो मेन मेन काम है वो मैं आपके सामने करूंगी। ठीक है, अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल 1/3, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन साथ के साथ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी तो गिवन थी। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी गिवन थी, याद है क्वेश्चन के लास्ट में, 26 लाख। ठीक है, और सेल्स गिवन थी क्या, नहीं, और इनका रेशियो गिवन था, यस, तो इधर आ जाएगी सेल्स अपनी, और ये हो जाएगा 26 लाख इंटू 3, तो यहाँ से अपनी सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी 26 लाख इंटू 3, ये आ गया 78 लाख। तो मजा आ गया, पहली बार क्वेश्चन में कुछ अपन ने कैलकुलेट किया है 78 लाख। ठीक है, अब सेल 78 लाख है, और थोड़ी ही देर पहले अपन को सेल्स की जरूरत थी ऊपर, तो बिना देरी करे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर सेल्स कितनी थी, 78 लाख। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर जो अपन ने सेल्स कैलकुलेट करी है वो टोटल है, लेकिन यहाँ पर जो अपन को सेल्स चाहिए वो क्रेडिट सेल है, क्योंकि क्वेश्चन ने टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स में फर्क तभी मिटा दिया था, उन्होंने बोला था जो भी सेल है वो सब की सब क्रेडिट सेल है, यानी कि टोटल सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स, हमारी कंपनी में कैश सेल होती है 0। ठीक है, तो यही वाली सेल्स ऊपर आ जाएगी 78 लाख, यहाँ पर आ गई, और नीचे क्या आ जाएगा, डेटर्स। अच्छा, ये कितना था रेशियो पूरा, 6.08333, इसी तरीके का था। अब इधर जाकर डेटर्स इधर आ जाएगा, अब मैं डेटर्स की वैल्यू दिखा रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है। तो डेटर्स की वैल्यू कैसे आएगी, ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 78 लाख, ये सिंपल तो आता है ना, इतनी मैथमेटिक्स तो कर लोगे, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये 6.08333, कैलकुलेट करो फटाफट, डेटर्स 78 लाख डिवाइडेड बाय 6.08333, ये आ गया 12,82,192। कहाँ पर लिखूं, जगह ही नहीं, यहाँ पर लिख दूं छोटा सा, समझ जाओगे, यहीं से आया ये 12 लाख, मैं तो भूल गई, 82,000। कुछ कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोला करो नंबर्स को, बिल्कुल बोलेंगे 12,82,192। तो जिसको समझ में नहीं आया अब समझ जाओ, इंग्लिश में भी बोल दिया अपन ने 12,82,192, ये आ गए अपने डेटर। तो एक बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टिक भी लगा लेते हैं कि अपन ने कौन कौन सी वर्किंग कंप्लीट कर ली। तो सबसे पहले अपन ने डेट कलेक्शन पीरियड, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट टू सेल, और एक इससे कंप्लीट हुई थी फिक्स्ड एसेट्स की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया, दो वर्किंग अपन ने कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छा काम करा है अपन ने। अब आ जाते हैं नाइन्थ वाले पे, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स आना चाहिए था।
ये गलती कर दी, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा। करंट एसेट्स, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट, क्योंकि सिंपल आगे वाली चीज ऊपर और पीछे वाली चीज नीचे, ठीक है। तो इसका रेशियो दे रखा था अपन को 13/11। ये बताओ इसमें कोई चीज अपन को पता है? बिल्कुल पता है, फिक्स्ड एसेट्स पता है कितने, और ये तो क्वेश्चन में गिवन थे 26 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/11, और फिक्स्ड एसेट्स अपन को पता है 26 लाख। करंट एसेट्स अपन को नहीं पता, तो यहां से करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट इधर चला जाएगा तो 30 नीचे आ जाएगा, तो 26 लाख 30 नीचे आ जाएगा, और ये 11 इधर चला जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करो फटाफट से, 26 लाख इंटू 11 डिवाइड बाय 13, ये आ गया 22 लाख। तो करंट एसेट्स अपन के आ गए 22 लाख, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़े, तो ये भी वर्किंग कंप्लीट हो गई, इस पर भी टिक लगा लें, कहीं आगे भूल ना जाए। वर्किंग नंबर 10, वर्किंग नंबर 10 है अपनी करंट रेशियो से। तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज, जिसका रेशियो अपन को गिवन है 2:1, ठीक है। तो 2:1, ये कौन सा पेन स्टार्ट कर दिया मैंने, हाँ। तो करंट एसेट क्या पता है? अभी कैलकुलेट किए थे 22 लाख, तो 22 लाख। करंट लाइबिलिटीज पता है क्या? नहीं, अब सब थोड़ी पता होगा, तो फिर कैलकुलेट क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटीज, तो यहां से अपनी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 22 लाख डिवाइडेड बाय 2, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं है, फिर भी अपन ने कर दिया। तो 22 लाख को डिवाइड बाय 2 करोगे तो बिना कैलकुलेटर के आ जाएगा इसका आंसर 11 लाख। तो यहाँ अपना करंट लाइबिलिटीज भी कैलकुलेट हो गया 11 लाख। अच्छा, अपन को ये नहीं पता अपन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपन जो भी वर्किंग्स हैं, और वर्किंग्स कैसे बनी है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग हम वर्किंग्स कंप्लीट कर रहे हैं, बस बाद में देखेंगे क्या काम का है क्या नहीं है। तो ये अपनी 10 वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं 11th वाली पर। अब आते हैं अपन 11th वर्किंग पर, जो कि है लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी। अगेन सेम चीज है, आगे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स, और पीछे वाली चीज दैट इज करंट लाइबिलिटीज, वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसका अपन को रेशियो गिवन था 2:1। अब कुछ ऐसा है क्या जो अपन को पता है? लॉन्ग टर्म लोन नहीं पता, लेकिन करंट लाइबिलिटीज थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट करी है, जो कि आया था 11 लाख। तो यहां पर लिख देंगे 11 लाख, और ऊपर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, और ये आ जाएगा 2:1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 11 लाख इधर चला जाएगा, तो 11 × 2, ये आ जाएगा 22 लाख, ठीक। इसी तरीके से आप भी डिब्बे बनाकर आना, तो आपकी अच्छी रहेगी प्रेजेंटेशन, और आपको भी ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ अपने लिए, लॉन्ग टर्म लोन 22 लाख, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। सिर्फ करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट हमने वर्किंग नंबर 10 से निकाल लिया और वो यहाँ पर डाल दिया। 11th वर्किंग है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी वैसा ही है, शेयर कैपिटल आगे है तो ऊपर आएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस पीछे है तो नीचे आएगा। इसका रेशियो अपन को गिवन था 1:4, लेकिन इसके बारे में अपन को और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो अपन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं, कौन कौन हमारी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर हमारी 11th वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, 10 भी हो गया, 9, 8, 7। अब आ जाते हैं अपन स्टार्टिंग की वर्किंग्स पर, जो अपन ने छोड़ दी थी ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो अब देखते हैं।
पहला था अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, जो कि था 15% ऑफ सेल्स। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सेल्स भी कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था। नीचे आते हैं, वर्किंग नंबर 8 में अपन ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 78 लाख। तो सेल्स कितना आ गया, 78 लाख। और इसका 15% क्या है, जीपी। तो यहाँ से बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 78 लाख इंटू 15% आ गया 11,70,000, 11,70,000। ठीक है, सिंपल एकदम। सेकंड वर्किंग थी हमारी नेट प्रॉफिट की, इसमें भी सेल्स की दिक्कत थी खाली, वो पूरी हो जाएगी। यानी कि सेल्स का 8%, सेल्स कितना था, 78 लाख। अब 78 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,24,000। ठीक, थर्ड है हमारा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, ये कितना था, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ ध्यान देना सेल्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट का मैंने दूसरा सिंपल वर्ड बताया था, वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, COGS। ठीक है, COGS का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे ये बताओ। यहाँ पर अपन को सेल्स भी पता है, जीपी भी पता है, यानी कि COGS आराम से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। तो इधर साइड में पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं, COGS इक्वल्स टू सेल्स कितना है, 78 लाख, माइनस जीपी कितना कैलकुलेट किया अभी अपन ने, 11,70,000। तो यहां से COGS पता करो, 78 लाख माइनस 11,70,000 ये आ गया 66,30,000, 66,30,000। तो ये आ गया COGS, क्लियर। तो देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए वो चाहिए था अपन को 20%, किसका, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब COGS। तो वर्क कॉस्ट अपन को पता ही है, वर्क कॉस्ट हमारा आया है 66,30,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 66,30,000, सिंपल आ रहा है ना समझ में। 66,30,000 का कितना चाहिए, 20%, 13,26,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हमारा आया 66,30,000, उसका 20% आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। यानी कि टोटल हमारे यहाँ कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है, 13,26,000। और ये COGS कैसे कैलकुलेट किया वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सेल्स माइनस जीपी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी डायरेक्ट वेजेस, जो की है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 66,30,000। तो बस वही लिखना है अपन को, दोबारा दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 66,30,000। इसका इस बार करना है अपन को 10%, बहुत सिंपल, यहीं से आ जाएगा बिना कैलकुलेशन करे, 6,63,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट वेजेस। ओए ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ये काटा नहीं, गलती से उठ गया। नेक्स्ट हमारी वर्किंग, वर्किंग नंबर 5, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स यूजेज। इसका मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है पूरी साल, वो था हमारा 13,26,000, लेकिन स्टॉक में कितना रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का यूजेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं पूरी साल कितना यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो वो ये रहा 13,26,000। ये किसका है, पूरे साल का, यानी कि एक महीने का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। अभी आ गया एक महीने का, और अपन को कितने का चाहिए, 3 मंथ्स का, तो इंटू कर देंगे 3 से, सिंपल। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, बचपन से करते हुए आ रहे, वही है, पूरे साल कंज्यूम किया जाता है 13,26,000, लेकिन स्टॉक में रखा जाता है सिर्फ 3 मंथ्स का यूजेज, तो डिवाइड कर देंगे 12 से, ताकि 1 मंथ का आ जाए, और इंटू कर देंगे 3 से। तो करते हैं फटाफट कैलकुलेशन, डिवाइड बाय 12 इंटू
ये आ गया 331,500, ठीक, ये आ गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वर्किंग नंबर 6, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना होता है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। अगेन सीओजीएस, थोड़ी देर पहले सीओजीएस कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना आया था 66,30,000, तो वो यहाँ पर आएगा वर्क कॉस्ट कितना था 66,30,000, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है इसका 6%, तो 66,30,000 इंटू कर देंगे 6%, ये आ गया 3,97,800, ये आ गया हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आ गया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी आ गया, दोनों स्टॉक आ गए, बैलेंस शीट के लिए काम आ जाएगा। बाकी 6 वर्किंग तक अपन ने पहले छोड़ दी थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है, और 11th वर्किंग तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब वर्किंग्स में हमारा सिर्फ एक रह गया है जो कि है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, तो अभी अपन के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी 11th तक हमारी वर्किंग्स कंप्लीट हो चुकी, और जैसे ही हमारी मेजॉरिटी वर्किंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर, आपने इसका ये तो बना ही दिया होगा फॉर्मेट, एक एक करके चीजें लिखते हैं। अब P&L अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखते हैं, खर्चे, तो फटाफट फटाफट लिखते हैं, बोलो क्या क्या खर्चे थे डायरेक्ट मटेरियल के, कॉस्ट पड़ी होगी आपने पता ही होगा, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड की अपन को कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, कुछ आएगा तो यहाँ लिख देंगे, सेल इधर आती है क्रेडिट साइड, और बाकी माइनस होके क्या आ जाता है जीपी। ठीक है, सेल्स कितनी आई थी, सेल्स तो मुझे याद है 78 लाख, बाकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस नहीं याद है तो वर्किंग्स में तो चेक करते हैं, डायरेक्ट वेजेस थे 6,63,000 और डायरेक्ट मटेरियल 13,26,000। ठीक है, ओवरहेड्स नहीं पता थे और जीपी पता था, जीपी कितना था 11,70,000, तो जीपी आ जाएगा 11,70,000, डायरेक्ट मटेरियल 13,26,000, डायरेक्ट वेजेस 6,63,000। आप चाहो तो इसकी यहाँ पर वर्किंग लिख देना ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कौन सी थी, देखो 1326 ये रही 3 वाली, वेजेस की कौन सी थी 4th वाली, या आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में करो नहीं करो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ जाए कि ये डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया, डायरेक्ट वेजेस कैसे आए, तो आपके रेफरेंस के लिए याद रहना चाहिए। ठीक, जीपी का तो वन ही था सिर्फ आपके लिए। ठीक है, बाकी जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर हमारा किस में आ जाएगा, ओवरहेड्स में, देखते हैं कितना आ रहा है। इधर आ रहा है 78 लाख, माइनस 13,26,000, माइनस 6,63,000, माइनस 11,70,000, यह आ गया 46,41,000, काफी ज्यादा आ रहा है 46,41,000। ठीक है, ध्यान देना इसका अमाउंट हमने कहीं से कैलकुलेट नहीं किया, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या होता था, अब जीपी इधर आ जाता था, पहले इसका टोटल लिख दूं मैं, अब जीपी इधर आ जाता था तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा 11,70,000, और P&L अकाउंट का मेन इंफॉर्मेशन दैट इज नेट प्रॉफिट जो कि कितना आया था 6,24,000, ये अभी देखा था अपन ने, इरा
ठीक है, 6,24,000। अब कोई खर्चे दिए रखे थे क्या, इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्या, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन सबसे रिलेटेड नहीं दे रखी थी, तो अपन क्या करेंगे उसको बैलेंसिंग फिगर मान लेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इतना, नेट प्रॉफिट आ रहा है इतना, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे तो हुए होंगे, लेकिन वो खर्चे ही नहीं पता अपन को, जीपी और एनपी के बीच के खर्चे, तो उनको अपन मान लेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, ऐसे कैसे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, लेकिन क्या करें बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इतना ज्यादा फर्क है, 11,70,000 और 6,24,000, यानी कि 5,46,000, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो अभी आपको अटपटा सा लग सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होगे, इस तरीके के क्वेश्चन आप करते रहोगे मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस होती जाएगी प्लेलिस्ट करते करते, तो आपको इजी लगने लगेगा, सिंपल। तो ऐसी बातों बातों में हमारा पीएनएल अकाउंट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट, चलो उसे भी कंप्लीट करते हैं। पहले ये देख लो एक बार, ठीक है, देख लिया। अब बैलेंस शीट में वही अपना लाइबिलिटीज, एसेट्स, एसेट्स में कौन कौन आते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये पता नहीं क्या हो जाता है, करंट एसेट। अब मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कितने आए थे, ये रहे फिक्स्ड एसेट, तो अपन को गिवन थे क्वेश्चन में 26 लाख, डायरेक्ट गिवन था ये तो, अच्छा बच्चा। ठीक है, करंट एसेट में क्या क्या था, करंट एसेट में आरएम और एफजी का स्टॉक था, स्टॉक ऑफ आरएम, स्टॉक ऑफ एफजी, है ना, ये दो स्टॉक थे, ये अपन ने कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर ध्यान देना, रॉ मटेरियल कंज्यूम 13,26,000 मत लेके आना, स्टॉक सिर्फ 3 मंथ्स का बचता है, दैट इज 3,31,500। ये गलती कर सकते हैं बहुत लोग, ये गलती नहीं करनी है, 3,31,500, क्योंकि सिर्फ 3 मंथ्स का यूजेज है, वही स्टॉक में रखते हैं, खुद लिखा था उन्होंने। और एफजी का स्टॉक बताओ जरा, स्टॉक ऑफ एफजी 397,800, 397,800, रिसीवेबल्स, और आ गया कैश। रिसीवेबल्स अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे जब अपन डेटर वाला कर रहे थे, ये रहे डेटर, कितना आया था डेटर, ये था ना 1,282,192, 82,192, ठीक है, इतना पता था। और यहाँ पर क्या आएगा लाइबिलिटीज में, कंपनी की कंपनी की बैलेंस शीट है तो आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, और क्या आता है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, यानी कि करंट लाइबिलिटीज, यही आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स पता है क्या, ये रहा 22 लाख, करंट लाइबिलिटीज ये भी कैलकुलेट करे थे, ये रहा 11 लाख, अब क्या रह गया, एसेट्स गिवन थे आरएम एफजी, ये दोनों अपन ने कैलकुलेट किए थे, रिसीवेबल्स अपन ने कैलकुलेट किया था, लॉन्ग टर्म लोन्स कैलकुलेट किया था, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट किया था। मेन ध्यान देना है अपन को कैश पर, और इधर लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तक, ठीक है, इन 3 चीजों पर जरूर जरूर आपको फोकस करना है, तभी आपको पूरी बैलेंस शीट समझ में आएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एज इट इज अपन ने जो जो कैलकुलेट किया वही लिखा है।
अब इधर ध्यान देना, कैश कैसे कैलकुलेट होगा। कैश से रिलेटेड अपन पर कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर इन्वेंट्री हमारी हो गई, रिसीवेबल्स हो गए, तो करंट एसेट में बचा कौन, कैश। तो कैश में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अपन के पास टोटल करंट एसेट है अपन के पास, कैलकुलेट किए थे, कहाँ है, ये रहा 22 लाख। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, टोटल करंट एसेट्स अपन के पास थे 22 लाख, ठीक है, जिसमें से कि बाकी सारी चीजें ईयरिंग, तो इनको टोटल कर लो, 3,31,500 प्लस 3,97,800 ये हो गया स्टॉक का, प्लस 12,82,192, तो ये टोटल आ गया 20,11,492, ठीक है, ये टोटल आ गया। इसमें से कैश और होगा तो कैश ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, -22 लाख, ये आ गया 188,508। तो कैश का बैलेंसिंग फिगर आ गया 188,508। ये समझ में आया कैसे आया, टोटल करंट एसेट्स है अपन के पास, बाकी की सारी एसेट्स की वैल्यू अपन को पता है, सिर्फ और सिर्फ कैश को छोड़कर, कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जो बचा वो अपन ने किसमें डाल दिया, कैश में, ठीक है। इन चारों का टोटल पता है, यानी कि टोटल करंट एसेट्स, लेकिन इन तीनों को मिला के टोटल नहीं हो रहा था, इसलिए बैलेंसिंग फिगर अपन ने कहाँ डाल दिया, कैश में। अब एसेट साइड कंप्लीट है, तो एसेट साइड का टोटल कर लो, करंट एसेट्स कितने थे 22 लाख, इन सबका टोटल कितना है 22 लाख, और फिक्स्ड एसेट कितने थे 26 लाख, तो यहाँ से आ जाएगा 48 लाख। तो लाइबिलिटीज का टोटल भी कितना आ जाएगा, 48 लाख, ठीक। तो यहाँ पर अपन को लाइबिलिटीज पता है, लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लाइबिलिटीज, तो टोटल है 48 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे 22 लाख, -11 लाख, ये आ जाएगा 15 लाख। इसका मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आएगा, 15 लाख, ठीक है। अब अपन को ये नहीं पता कि 15 लाख में से शेयर कैपिटल कितना है और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, तो आपको ध्यान होगा वर्किंग्स में अपन ने एक वर्किंग अभी भी छोड़ रखी है, वो थी हमारी वर्किंग नंबर 12, ये रहा शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो है वो 1:4 है, ठीक है, और इन दोनों का टोटल भी अपन को पता है 15 लाख। तो सिंपल 15 लाख को अपन को क्या करना है, 1:4 में बांटना है, ठीक है। तो 1/4 में बांटते हैं पहले, सॉरी 5 करेंगे ना, सॉरी 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 1:4 में बांटना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का कितना होगा, 1/5, ये तो आता है ना आपको, 1:4 है, तो इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखते हैं, ठीक है, और ये ऊपर वाला शेयर कैपिटल का होगा, तो ये आ गया 3 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस टोटल है 15 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो 3 लाख और 12 लाख, और दिख रहा है क्लियरली इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:4। तो रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का टोटल अपन को पता चल गया यहां से, क्योंकि इनका टोटल था 48 लाख और लाइबिलिटीज थी 33 लाख, तो माइनस करके 15 लाख आ गया रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल, और इनका रेशियो अपन को वर्किंग नंबर 12 से पता चल गया, जो कि है कितना था, मैं तो खुद भूल गई, 3 था शायद, हाँ 5, 3 या 15, 3 लाख, और ये था 12 लाख, ठीक है, तभी 3 × 3 और 1:4 का था ये रेशियो, ठीक, क्लियर। ध्यान देना कैश कैसे कैलकुलेट किया है, करंट एसेट्स में से बाकी सारी करंट एसेट्स माइनस कर दी, तो बाकी बचा बैलेंसिंग फिगर कैश। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल अपन को पता ही है इसका यहाँ से,
48 लेग, और इसमें से ये माइनस कर दिया तो आ गया शेयर कैपिटल डिविडेंड सरप्लस। उनका रेशियो पता है 1:4, ये मैं तीन तीन बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना मत, पहली बार कर रहे होगे इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा ये कब आसान बन जाएगा। बस अपन को इन तरीके के क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि पहले अपन को वर्किंग्स कंप्लीट करनी है, जिस वर्किंग में जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अपन को लिख करना है। और वर्किंग्स बना बना भी बहुत ईजी है, अब आप सीख ही गए होगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है सेम टू सेम मैं वो वर्किंग में लिखती जाती हूँ, फिर जिसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन पता होती है वो लिखते जाती हूँ और सोई वर्किंग कम्प्लीट हो जाती है। और जैसे ही हमारी एक बार वर्किंग कम्प्लीट हो जाती है तो हमारा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी आसान बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।